नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन दवा या मेडिसिन के बारे में जो कि हमें हर घर में मिल जाती है। इसका नाम है पैरासिटामोल। दोस्तों, पैरासिटामोल हमारे देश में एक ओटीसी ड्रग है, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब इसको खरीदने के लिए हमें डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी के कारण हम पैरासिटामोल का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करने लगते हैं और इसकी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस पैरासिटामोल का इस्तेमाल आप कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं, बड़ों में और बच्चों में इसकी क्या डोज होती है, इसे आपको प्रॉपर ढंग से कैसे लेना होता है, क्या आप इसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और प्रेग्नेंट फीमेल्स और बच्चों में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पैरासिटामोल एक सॉल्ट है जो कि बहुत फेमस ब्रांड नेम्स के नाम से बाजार में आता है, जैसे कि डोलो, कालपोल, क्रोसिन, पैसीमोल। पैरासिटामोल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, उसके अलावा बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में अवेलेबल होता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। दोस्तों, पैरासिटामोल का केमिकल नेम होता है एसिटामिनोफेन। अब जानते हैं कि यह पैरासिटामोल काम कैसे करता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में फीवर या पेन होता है तो यह हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स के निकलने के कारण होता है। उसमें एक मेन केमिकल है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। पैरासिटामोल इस केमिकल को बनने से रोक देता है, जिसकी मदद से हमें फीवर में आराम आने लगता है। उसके अलावा इस प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण शरीर के अन्य भागों से होने वाले दर्द के सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। जैसे ही पैरासिटामोल इस प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल को बनने से रोकता है तो पेन के जो सारे सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचने से रुक जाते हैं और हमें दर्द में आराम मिलने लगता है। इसलिए पैरासिटामोल एक बहुत ही अच्छा पेन किलर और फीवर कम करने वाली दवाई के रूप में काम करती है। इसके अलावा कई सारे अंगों के दर्द हैं जिनमें पैरासिटामोल बहुत ज़्यादा असरदारक होती है, जैसे कि सर दर्द में, कान के दर्द में, कमर के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में, महिलाओं में माहवारी के दर्द में, इन सभी तरह के दर्दों में पैरासिटामोल बहुत अच्छा रोल अदा करती है। दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि इस पैरासिटामोल की बड़ों में और बच्चों में सेफ डोज क्या होती है। बड़ों में दर्द या फीवर होने पे आप पैरासिटामोल की एक 500 mg की टैबलेट ले सकते हैं और आराम ना आने पर हर 4 से 6 घंटे में इसे रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों में फीवर या दर्द होने पर पैरासिटामोल को 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जा सकता है और आराम ना आने पर 4 से 6 घंटे में इसे रिपीट किया जाता है। दोस्तों, हालांकि मैंने आपको यहाँ पैरासिटामोल की सेफ डोज बता दी है, परंतु आपको ध्यान यह रखना है कि आपको यह पैरासिटामोल भी बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चों में उनके वजन और ज़रूरत के हिसाब से पैरासिटामोल की डोज ऊपर नीचे हो सकती है और इस पैरासिटामोल की ज़्यादा डोजिंग के कारण गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। पैरासिटामोल लेने के बाद यह दवाई आधे घंटे में काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पैरासिटामोल को लेने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, अगर आप पैरासिटामोल की टैबलेट ले रहे हैं तो आपको इसे चबाना नहीं है, क्रश नहीं करना है और डायरेक्ट निगलना है पानी के साथ। परंतु अगर आप पूरी टैबलेट को एक साथ नहीं ले पा रहे हैं तो इस टैबलेट को आप आधी आधी तोड़ लें और दोनों हिस्सों को एक एक करके पानी के साथ ले लें। बच्चों को पैरासिटामोल सिरप देने से पहले आप उसे शेक कर लें और बच्चों के वजन के हिसाब से बताई गई डोज ध्यान से दें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा पैरासिटामोल लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो।
दोस्तों, अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं और इस दौरान अल्कोहल भी लेते हैं तो आपके लिवर डैमेज की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब आप पैरासीटामोल लें, अल्कोहल को लेना बंद कर दें। प्रेग्नेंट फीमेल्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में हालांकि पैरासीटामोल लेना बहुत सेफ है, परंतु यह भी बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको लिवर या किडनी की कोई बीमारी है तो पैरासीटामोल लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें। कोशिश करें पैरासीटामोल हमेशा कुछ खाकर लें, खाली पेट ना लें। अगर आपको कंटिन्यूस 3 दिन पैरासीटामोल लेने पर फीवर बना रहता है या 7 दिन कंटिन्यूस लेने पर दर्द में आराम नहीं आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। पैरासीटामोल की टैबलेट और सिरप को घर में हीट और मॉइस्चर से दूर रखें। रूम टेम्परेचर पर किसी सूखी जगह पर रख सकते हैं और इसे बच्चों और पेट से दूर रखें। दोस्तों, अगर आप पैरासीटामोल की डोज भूल गए हैं तो आपको दिन में जब भी याद आए आप डोज ले सकते हैं, परंतु अगर आपको याद तब आए जब आपकी नेक्स्ट डोज का टाइम हो रहा हो तो आप उस डोज को मिस कर दें। आपको किसी भी प्रकार से डबल डोजिंग नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको पैरासीटामोल लेने के बाद वॉमिटिंग हो गई है तो अगर वॉमिटिंग 30 मिनट के भीतर हुई है तो आपको वो डोज रिपीट करनी है, परंतु अगर वॉमिटिंग 30 मिनट के बाद हुई है तो आपको डोज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी दवाई पेट से एब्जॉर्ब हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैरासीटामोल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पैरासीटामोल लेने पर आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन पर चकते पड़ सकते हैं, सांस में तकलीफ आ सकती है, चेहरे और शरीर में सूजन आ सकती है, परंतु ये बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, भूख का कम होना भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यह कभी कभी पेशाब के कलर को पीला भी कर देती है। इसके अलावा बहुत रेयर कंडीशंस में पीलिया या क्ले कलर्ड स्टूल भी हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा भारत के अनुभवी और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadup.com को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ऑफ हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।